असलम फेजे राइटिंग में एक मौजू है री राइटिंग ये भी एक अहम स्टेप है और ये एडिटिंग के साथ ही आता है यानी कि जो अब आप कोई चीज़ लिख चुकी हों उसके बाद आप उसको एडिट करेंगे प्रूफ रीड करेंगे और हो सकता है किसी वक्त ज़रूरत पड़े कि कोई हिस्सा या उसका बेशतर हिस्सा आपको री करना पड़े क्योंकि वो तसली बख्श ना लगे आपको अगर आपने उसको कुछ देर बाद देखा या उसको रीड आउट अलाउड किया तो आपने देखा कि इसमें तो बहुत सारी मुश्किल चीज़ें हैं मुश्किल आ रही है ये ठीक नहीं है ख़राबियाँ आ रही हैं सो देन यू माइट हैव टू री राइट चंग्स ऑफ इट ये इम्पॉर्टेंट है इसी से जो है आपकी लिखाई जो है सिग्निफिकेंट होगी और आ, मतलब स्टैंड आउट करेगी और एक्सेल करेगी इसके बारे में आ, एक राइटर हैरी शॉ उन्होंने एक अपनी किताब में कहा है इज़ नो सच थिंग एज गुड राइटिंग इज़ ओनली गुड री राइटिंग इसके अलावा स्टीफन किंग है उन्होंने अपनी किताब में कहा है ये एक हॉर स्टोरीज़ के राइटर हैं और बहुत मशहूर हैं इनकी uh, किताबों के ऊपर मूवीज़ भी बनी हैं उन्होंने कहा राइट विथ योर डोर क्लोज एंड री राइट विथ द डोर ओपन यानी लिखते हुए तो आपने अपना फ्लो क्रिएटिव फ़्लो फॉलो किया अपनी थिंकिंग फॉलो की और आपके जो दिल में आया आपने लिखा अब जब आप उसको री राइट करेंगे और जो एडिट भी करेंगे तो आपने उसको इस नज़र से देखना है कि आपके ऑडियंस या रीडर्स या क्लाइंट्स जो हैं वो उसको कैसे देखेंगे तो दिस इज़ वेरी गुड एडवाइस एंड वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस बिकॉज राइटर्स ऑफन थिंक कि दिस इज़ देयर ओन सेल्फ एक्सप्रेशन ओनली दैट्स नॉट अ फैक्ट जब आप अपने क्लाइंट्स के लिए लिखेंगे या किसी भी पढ़ने वाले के लिए लिखेंगे तो वो उनको यू हैव टू कीप दैम इन माइंड दैट्स द फर्स्ट थिंग फॉर राइटिंग कीप योर ऑडियंस इन माइंड उसके लिए फिर जब आप एडिटिंग करेंगे या री करेंगे उसमें आपकी रिसोर्स जो है एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स इज ऑलवेज दैट यू नीड टू बी रीडिंग गुड बुक्स जैसी आप किताबें पढ़ेंगे वही सेंटेंस स्ट्रक्चर्स वही पैराग्राफ्स बनाने कुछ आपके ऊपर इन्फ्लुंस होगा और उसी से आप अपने चीज़ को एक्सेल भी कर सकेंगे और ये देर इज़ नो शॉर्ट कट फॉर इट इसको आप जितना प्रैक्टिस करेंगे ये चीज़ उतनी बेहतर होगी शुरू में आपको इट माई टेक लॉन्गर वंस यू एक्सेल एट इट तो फिर आप उसको यू माइट डू इट क्विकर एंड क्विकर बट देर इज़ नो शॉर्ट कट के आपको हम यहाँ पर बता दें कि आप ये करें और वो जल्दी से हो जाएगा प्रैक्टिस करें अपनी रीडिंग हैबिट डेवलप करें दैट्स द वे टू गो अबाउट इट आपके अगर कोई दोस्त हैं जो भी पढ़ने के शौकीन हैं और जो आपको अच्छी एडवाइस दे सकते हैं इट डजेंट हैव टू बी एनी वन हुज़ क्लोज टू यू बट इफ़ समन हुज़ क्लोज़ टू यू डज़ नॉट हैव गुड स्किल्स तो उसको नहीं लेकिन जो आपको अच्छी एडवाइस दे सके ऐसे लोगों को आप अपना मुशीर बना सकते हो सो दीज आर सम टिप्स फॉर री राइटिंग एंड दीज आर सम थिंग्स टू कीप इन माइंड जब आप री राइटिंग कर रहे हो इसकी मजीद तफसीत भी हैं और वो भी हम जानेंगे आ, इस सेशन को अब हम क्लोज करेंगे थैंक यू